और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एससी एसटी आरक्षण के कोटे में कोटा के खिलाफ आज दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। बंद को आरजेडी बीएसपी समेत कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि बंद का असर बिहार और राजस्थान में दिख रहा है। झारखंड के भी कुछ इलाकों में बंद का असर दिखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने आदेश में कहा था कि अगर दलित समाज में कोई जाति विशेष ज्यादा पिछड़ा है तो उसके लिए आरक्षण का कोटा अलग से तय हो सकता है। इसी के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है और कुछ कुछ जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी जेएमएम ऐसी पार्टियां जो इस बंद के समर्थन में हैं, तो कोटे में कोटे का विरोध, दलित संगठनों का आज भारत बंद का ऐलान, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर धक्का मुक्की की भी सूचना है। और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि बंद का कैसा असर देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं विभिन्न जगहों पर, जहानाबाद हो, बांसवाड़ा हो राजस्थान में, जालंधर की तस्वीर आपके सामने है और उत्तर प्रदेश में आगरा का हाल, इन जगहों पर बंद का असर देखने को मिला है। हालांकि हर जगह बंद का असर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगहों से खबर ये आ रही है कि वहाँ पर बाजार वगैरह बंद हैं। जैसे बिहार में खासतौर पर कुछ जगहों से हमें सूचना मिल रही है, चूंकि आरजेडी इस बंद के समर्थन में है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन दिया है इस बंद को, तो वहां भी कुछ जगहों पर बंद का असर देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश में आगरा में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और इस बंद के समर्थन में वो नारे लगाते नजर आए। बिहार के जहानाबाद की तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पर सूचना ये मिल रही है कि दरअसल जिन लोगों ने ये बंद बुलाया था, जिन्होंने बंद का आह्वान किया था, उनके और पुलिस के बीच वहां धक्का मुक्की तक हो गई। एससी एसटी आरक्षण कोटे में कोटे का जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसी को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके का विरोध देखने को मिला है। और इस बीच बिहार के जहानाबाद में भारत बंद का असर, आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, जहानाबाद में समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। जहानाबाद के ऊंटा मोड़ पर यह धक्का मुक्की हुई है, तो जहानाबाद से अभी की बड़ी खबर आ रही है, यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ गए। 5 लोगों को फिलहाल पुलिस ने वहां पर पकड़ा भी है। जहानाबाद का ऊंटा मोड़ इलाका है जहां से यह सूचना हमें मिल रही है कि धक्का मुक्की हुई, यानी जहानाबाद में भारत बंद का असर देखने को मिला है। यह बिहार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस जगह की तस्वीर, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारियों से पुलिस की भिड़ंत हो गई। पुलिस उन्हें समझा बुझा रही थी, उन्हें वापस भेजना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां पर थोड़े उग्र हो गए, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में धक्का मुक्की तक हो गई। 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। जहानाबाद के ऊंटा मोड़ इलाके से अभी हमें बड़ी जानकारी मिल रही है। तो जहानाबाद में भारत बंद का साफ असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर। कोटा का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। अलग अलग जगहों से हमें देश के विभिन्न प्रांतों से जो जानकारी मिल रही है, कुछ जगहों पर भारत बंद का असर हुआ है। आइए इस खबर पर कुछ और जानकारी जुटाते हैं। दिल्ली से अजातिका सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, राजस्थान भी आपको लिए चलेंगे, उदयपुर में मनीष शर्मा मौजूद हैं और पटना से आर्यन आनंद हमारे साथ हैं, सरायकेला झारखंड से शशांक भी हमारे साथ हैं और नितिन ठाकुर हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। सबसे पहले आर्यन आप ही के पास आना चाहूंगा, और जहानाबाद से जो खबर मिल रही है कि यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई है, मतलब क्या यहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए अखिलेश, बिल्कुल सुबह में ही 7 बजे के करीब जो चक्का जाम है और आगजनी जो है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने किया,
इस प्रदर्शन को जब प्रशासन ने बलपूर्वक हटाने की कोशिश की उस दौरान ये झड़प किया गया और कई लोगों को जहानाबाद के अंदर हिरासत में लिया गया है। जो प्रदर्शनकारी थे, जो इस बंद को समर्थन दे रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके साथ ही कई और जगहों पर आगजनी की गई थी और उस यातायात को ठप करने की जो कवायद इन प्रदर्शनकारियों की थी, उस मंशे को कहीं ना कहीं पुलिस विफल करना चाहती थी और यही कारण है कि जो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे, सुबह सुबह का समय था, उन्हें हिरासत में लिया गया। जब पुलिस वालों ने उन्हें साइड करने की कोशिश की, इसी दौरान प्रदर्शनकारियों में और पुलिस वालों में झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने देखा कि माहौल को कैसे शांत किया जाए और जो मुख्य लोग इस बंद को लीड कर रहे थे, उन लोगों को जहानाबाद के अंदर पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां जो प्रदर्शन था उसे फिलहाल खत्म कराया है। बिल्कुल, तो प्रदर्शन वहां पर खत्म हो गया, इस तरीके की जानकारी आर्यन हमें दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप जहानाबाद की देख रहे हैं, जहाँ पर आज प्रदर्शनकारियों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने उन्हें पहले समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में धक्का मुक्की भी हो गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और देश की राजधानी दिल्ली में क्या हाल है ये भी जानते हैं। आजातिका भी हमारे साथ मौजूद है। आजातिका, दिल्ली से क्या सूचना मिल रही है? भारत बंद का असर यहां देखने को मिल रहा है क्या? अखिलेश, देखिए, देश की राजधानी है, लेकिन भारत बंद का यहाँ पर असर इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि चेंबर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि CTI के जो चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि 700 बाजार उनके अंडर जो आते हैं वो सभी खुले रहेंगे। इसका कारण ये है कि बंद के लिए उनका समर्थन नहीं मांगा गया है, लिहाजा दिल्ली में जो पूरी व्यवस्था है वो ठीक चलती हुई, जैसे रोज़मर्रा में चलती है वैसी चलती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा था कि मेट्रो की सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन अखिलेश, हमने उसको भी क्रॉस चेक किया है, मेट्रो की सर्विसेज पूरी तरह से ठीक चल रही हैं, जो रेलवे सर्विसेज हैं वो ठीक चल रही हैं, बसेस ठीक चल रही हैं, यानी दिल्ली में कोई परेशानी बंद की नहीं है और बंद का कोई असर राजधानी दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जरा आगरा चल लेते हैं, उत्तर प्रदेश से क्या जानकारी मिल रही है वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन तस्वीरें जरा पहले आपको दिखा दें। आगरा में भी प्रदर्शनकारी आज बड़ी संख्या में नजर आए थे। आगरा में आप देखिएगा कि बंद का असर कुछ इलाकों में देखने को मिला है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और लखनऊ से हमारे साथ वीरेश पांडे हैं, उनके पास भी चलेंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, हाथों में झंडा लिए हुए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। आरक्षण की लड़ाई कैसे सड़क पर आई, वो तस्वीरें इसकी गवाही देती हुई। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ हैं ये लोग, कोटे में कोटे वाली जो बात है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में आगरा की तस्वीर है। वीरेश, ये तस्वीरें तो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जरा ये बताइए कि यूपी में कुछ और जगहों से भी कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, बंद का असर है क्या? देखिए, भारत में भारत बंद का आह्वान जो हुआ है उसका समर्थन बसपा कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है और साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ नेता भी कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन जो आगरा है वो देश में दलितों की राजधानी कही जाती है। याद करिए, पिछले कुछ साल पहले एक आंदोलन हुआ था, उग्र आंदोलन हुआ था, बहुत कुछ बिखर गया था आगरा में और आज भी वो दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत कुछ नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर है और यहाँ मायावती का जो आदेश है उसका पालन किया जाता है और यही वजह है कि एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, जो पुलिस है वो यहाँ पर पहले से एहतियात तौर पर सुबह 6 बजे से ही मौजूद है और ऐसा जो दृश्य है वो आपको जगह जगह देखने को मिलेगा क्योंकि चाक चौबंद व्यवस्था रखने की कोशिश की गई है। लेकिन आगरा हमेशा से बहुत ही इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील रहता है और आज भी वो दृश्य देखने को मिल रहा है। आगरा के आसपास जो फिरोजाबाद और अन्य इलाके हैं वहां भी ऐसे कुछ दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने जो ADG लॉ एंड ऑर्डर है उनसे बात की और साथ ही साथ DGP को भी चेताया कि कहीं भी यूपी में कोई हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो पुलिस के मुखिया हैं वो खुद इस पूरे मामले की कमान संभाले हुए हैं। इसलिए आगरा, चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी दलित आंदोलन होता है उसकी वो जननी है और वो राजधानी है, इसलिए वहां संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोई अप्रिय घटना ज्यादा ना हो इसलिए कानून व्यवस्था के अलंबरदार जो हैं वो निगाहें बनाए हुए हैं। चलिए अब जरा राजस्थान चल लेते हैं, वहां पर क्या हालात है वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। जयपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और मनीष शर्मा हमारे साथ उदयपुर से मौजूद है, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन पहले जरा तस्वीरें देख लीजिए, सड़कों पर क्या हाल नजर आ रहा है। चूंकि भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है।
यहां से राजस्थान से क्या जानकारी है मनीष आपके पास, विभिन्न शहरों से क्या सूचना मिल पा रही है आपको? बिल्कुल अखिलेश, चूंकि मेरे सहयोगी वीरेश ने अभी बात यूपी की थी तो मैं बॉर्डर से शुरू करता हूं। भरतपुर जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है, वहां पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नेटबंदी की घोषणा कल रात को कर दी गई थी। राजस्थान के कुल 16 ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल और कॉलेज को एहतियातन जिला कलेक्टर्स ने बंद कर दिया है। जयपुर में बाजार खुलने शुरू हुए हैं, मिश्रित असर देखने को मिलेगा। जयपुर के जो प्रमुख बाजार हैं परकोटे के, वहाँ पर इस वक्त चूंकि दुकानें खुलने का वक्त नहीं हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मियों को कल रात को ही तैनात कर दिया गया था। पाली में कुछ जगह पर दुकानें बंद कराने को लेकर झड़प होने की सूचना है। इसी तरीके से अलवर में चूंकि रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा, वहां पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है इस आंदोलन का, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक अगर कहा जाए तो पिछड़े वर्ग के लोगों की है। तो ऐसे में यहाँ पर स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय वारदात से निपटा जा सके। बात अगर उदयपुर की करूँ तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे इस वक्त बहुत कम ट्रैफिक है, क्योंकि ज़्यादातर वाहन चालकों ने अपने वाहनों को शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच रोक दिया है ताकि वहां पर उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय वारदात नहीं आए। लेकिन इतना जरूर है अखिलेश कि राजस्थान के लगभग आधे हिस्से में आपको बंद का अच्छा असर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जरा कुछ और जगहों की तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। भारत बंद के दौरान बिहार में हंगामा हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। नालंदा की पथराव की सूचना मिल रही है, बंद समर्थक और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई है। भारत बंद के दौरान बिहार में हंगामा हुआ है, खबर अभी आ रही है नालंदा से। नालंदा में आप देख रहे हैं तस्वीरें आपके सामने, सड़कों पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई है। नालंदा में पथराव, बंद समर्थक और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की सूचना मिल रही है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शशांक, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शशांक, बंद समर्थक हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच झड़प हुई है, लेकिन पुलिस की टीम जो है वहां पर पहुंच गई है, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पूरे बिहार में पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पे है, कहीं पर बड़ी हिंसक घटना ना हो इसके लिए जो डीजीपी हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, लेकिन इसी बीच जहानाबाद में भी आज सुबह जो है छिटपुट घटना हुई, वहीं अब नालंदा में भी देखने को मिल रहा है। वहीं आरा की बात करें तो वहाँ पर जो बंद समर्थक हैं वो सड़क पर उतरे, सड़क को जाम किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोशिश यही है कि कोई बड़ी घटना ना हो। जो नालंदा में घटना हुई है वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच गई है और शांत कराने की कोशिश में लगी हुई है। जी, आप चूँकि झारखंड के सरायकेला में मौजूद हैं तो जरा वहाँ की स्थिति भी बता दीजिए, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन है इस बंद को। देखिए, ये SC ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके विरोध में जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसका झारखंड में कोई बड़ा असर देखने को मिल नहीं रहा है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, खूंटी, इस सब इलाकों में अभी JMM कार्यकर्ता सड़क पर उतरे नहीं हैं, लेकिन हाँ, देवघर, गिरिडीह में धरना प्रदर्शन हुआ है। और आपको बता दूँ, JMM ने समर्थन का ऐलान किया है, कांग्रेस ने यहाँ ऐलान किया, इन लोगों की सरकार है, लेकिन कोई बड़ा असर देखने को मिल नहीं रहा है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो NDA में है उसने भी जो बंद है उसके समर्थन का ऐलान किया है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर जो सरायकेला है यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। जमशेदपुर में हर चौक चौराहे पर आपको जो है सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो पुलिस जो है अलर्ट मोड में है, कोशिश यही है कि कोई घटना जो है वो बड़ी घटना न घट जाए। ठीक है शशांक, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब जरा जालंधर का रुख कर लेते हैं। वहां पर आपको दिखाते हैं किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, क्या भारत बंद का वहां पर असर है या नहीं है, वो तस्वीर भी आपके सामने हम रखेंगे। भारत के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं इस बंद को लेकर वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जालंधर की तस्वीर आपके सामने है। तो आरक्षण की जो जंग है, भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं सड़कों पर प्रदर्शन करते लोग नजर आ रहे हैं। ये पंजाब में जालंधर की तस्वीर, यहां भी आप देख पा रहे हैं सड़क पर कुछ लोगों की मौजूदगी है। और अब आपको बांसवाड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं, राजस्थान लिए चलते हैं, वहां पर किस तरीके के हालात हैं। मनीष आपको डिटेल में जानकारी दे ही रहे थे, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, वहां पर जिला मजिस्ट्रेट का जो दफ्तर है वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरक्षण पर आर पार की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया था
जोर शोर के साथ, अभी उसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भारत बंद का बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल आपने सुना किस तरीके का वहां पर नारा लगाया जा रहा था, यानी कुछ लोग तो बंद के समर्थन में हैं, कुछ विरोध में भी हैं। अब आपको हम बिहार के छपरा लिए चलते हैं। छपरा में बंद का असर देखने को मिल रहा है। वहां पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं प्रदर्शनकारियों को, जब आप देखेंगे वहां पर बंद का असर साफ देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया है छपरा में। बिहार के छपरा में भी भारत बंद का असर देखने को मिला है। दरअसल ये पूरा जो इलाका है आरजेडी के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। मेरे साथ आशुतोष, मेरे सहयोगी छपरा से जुड़ गए। आशुतोष, क्या स्थिति है अभी छपरा में? देखिए आपको अखिलेश, सबसे पहले मैं दिखा दूं कि बंद का असर बिहार के सारण में दिख रहा है। आप देखिए ये लोग बंद समर्थक, बंद की जो टोली है ये शुरू से सुबह से निकली हुई है। आप देखिए बंद का असर किस तरीके से दिख रहा है। हमारे ठीक पीछे हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। बंद का जो असर है आप सामने देख सकते हैं, पूरा सड़क जाम है, टायर जलाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा इलाका है, आप देखिए ये शहर का टाउन है जो छपरा पटना मुख्य मार्ग को जोड़ता है। आप देखिए पूरी तरीके से बंद का असर कैसे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन जो है साफ तौर पर दर्शा रहा है कि बंद को सफल बनाने के लिए, देखिए आप किस तरीके से लाठी डंडे का प्रयोग यहाँ बंद समर्थकों के द्वारा की जा रही है, और बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही है। आप ये तस्वीर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं किस तरीके से ये बंद समर्थक जो है वो बंद बना रहे हैं। और आप देखिए ये बंद का असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और ये आप देखिए किस तरीके से जो बंद समर्थक है वो लगातार बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके से देखिए कोशिशें कर रहे हैं लगातार। ये छपरा के दरोगा राय चौक की तस्वीरें हैं, और आप देखिए किस तरीके से बंद समर्थक साफ तौर पे देखने को मिलेंगे आपको, किस तरीके से बंद को सफल बनाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आज जो बंद का असर है, चूंकि आपने कहा था आरजेडी का क्षेत्र कहा जाता है, तो आरजेडी के समर्थक जो है वो भी इस बंद में शामिल है। और आप देखिए किस तरीके से ये बंद है, और इस बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन लगातार जारी है। और सीधे तौर पे ये दरोगा राय चौक का ये इलाका है जहाँ बंद समर्थक किस तरीके से ये तस्वीरें तो आप दिखाते ही रहिए आशुतोष, तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन जरा मुझे ये जानकारी भी दीजिए, ये बताइए ये स्वतः स्फूर्त बंद दिख रहा है या जबरन बाजार को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, सड़कों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं आरजेडी समर्थक? बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जबरन भी बंद कराने की कोशिशें हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बंद को सफल बनाने के लिए उग्र जो समर्थक है, जो भीड़ है, वो कैसे बंद को सफल बनाने के लिए लगातार सड़कों को जाम कर दिया है, और जो भी लोग जा रहे हैं उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं, लाठी डंडों का प्रयोग हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके की, देखिए यहाँ कुछ लोग उनसे हम बातचीत, तो ये बताइए बंद से आप लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। अच्छा आपको क्या लगता है बंद को सफल बनाना तो ठीक है, लेकिन लाठी डंडों से लोगों को रोकना, तो लोगों को तो दिक्कत होगी आशुतोष? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो लोग सड़कों पर निकलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी उनकी प्रभावित होती है इस तरीके के बंद के आयोजन से। भोपाल में क्या स्थिति है, नितिन के पास भी जरा चल लेते हैं। नितिन छोटे में बताइए क्या स्थिति नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? जी अखिलेश, मैं बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। ग्वालियर में कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है, वहाँ पर कुछ स्कूल जरूर स्कूलों की छुट्टी कर दी, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन जो बड़े संभाग के जिले हैं यहाँ पर जरूर मिला जुला असर है। वहाँ पर जो दुकानें वो खुल गई हैं, लेकिन जो भारत बंद का आह्वान किया गया है सपा, भाजपा और जयस संगठनों ने, लेकिन संगठनों समर्थन की बात कर रहा है भारत बंद को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा। जहां मैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में असर नहीं है, कई जगहों से मिले जुले असर की बातें सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए नितिन आपका, दिल्ली से हमारे साथ आजादी का थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेश, मनीष शर्मा हमारे साथ थे राजस्थान से, आप दोनों का भी शुक्रिया, और आर्यन आपका भी धन्यवाद, शशांक शुक्रिया आपका।